आप इसको कोई चोटी के साथ भी ये वाला हेयर स्टाइल बना सकते हैं, बट बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये परांदी के साथ। एंड मैंने गोल्डन सी परांदी पाई है एंड इतना ब्यूटीफुल टिक्का लगाया है। एंड बहुत ही आसान है ये हेयर स्टाइल, आप आराम से कर सकते हो, अपनी सिस्टर पे, खुद पे, भाभी पे, किसी के ऊपर भी कर सकते हो। मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा एंड ऑल्सो कमेंट जरूर करिएगा। सो यस, ज्यादा में वेस्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यू गाइस कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। सो गाइज, मैं आपको बताऊंगी कि आप ये वाला हेयर स्टाइल कैसे कर सकते हैं। सो या एक साइड मैंने किया है एंड एक साइड मैं करने वाली हूँ। ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, इजी एंड आसान हेयर स्टाइल है जो कि आप परांदी के साथ भी कर सकते हैं। एंड वैसे भी आप सिर्फ यू नो, अगर आपने ब्रेड करनी है या फिर आपने चोटी बनानी है, गुथ करनी है पंजाबी में, सो गाइज आप ये वाला हेयर स्टाइल बना के कर सकते हैं। बट या आज मैं आपको परांदी के साथ और टिक्के के साथ ये वाला हेयर स्टाइल करके बताऊंगी। सो गाइज, आप देख सकते हैं मैंने दो पार्टीशंस की हैं यहाँ पर। सो ऐसे ही हमने यहाँ पर भी दो पार्टीशन कर लेनी है। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों की अच्छे से पार्टीशन कर ली है। अगर आपको दिक्कत आ रही है देन आप कोई भी क्लचर के साथ भी अपने बालों को यू नो पार्टीशन कर सकते हैं एंड उसको सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने पीछे से बाल लिए हैं एंड उसमें आगे से मैं थोड़े थोड़े बाल जो है वो ऐड कर रही हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सो गाइस, ऐसे ही आपने करते जाना है पीछे तक एंड देन उसके बाद आपने इसको सिक्योर कर लेना है किसी भी पिन के साथ जो भी आपके पास हो। सो गाइस, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा लूज करेंगे ताकि हमारे जो हेयर स्टाइल और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगे। सो या अब मैं स्टार्ट करूंगी आगे से सेम वैसे ही हेयर स्टाइल बनाना एंड थोड़े से बाल लेकर यू नो मैं एक स्ट्रिंग लेकर उसके साथ मैं अपने थोड़े थोड़े बाल आगे से ऐड करी जाऊंगी इन द सेम वे जो कि मैंने पीछे किया था। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये वाला हेयर स्टाइल बहुत ही ज्यादा क्विक एंड ईजी है। सो गाइज, 5 मिनट में ये वाला हेयर स्टाइल हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको ये वाला हेयर स्टाइल अच्छा लगे देन प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो गाइज, हम आगे आगे से अपने बालों को थोड़ा थोड़ा लूज करेंगे जिससे कि हमारा हेयर स्टाइल और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगे एंड उभर के आए। सो या इसके बाद मैं लगाऊंगी परांदी। सो आप मेरी परांदी देख सकते हैं कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, गोल्डन कलर की। सो या मैंने ब्लैक कलर का सूट डाला तो हाँ, मुझे लगा कि गोल्डन परांदी सही रहेगी। सो गाइज, सिंपली हम पहले अपने बालों को कॉम करेंगे एंड देन जो हम रेगुलर नॉर्मल चोटी बनाते हैं वो बनाएंगे। सो या हम पंजाबी में इसको गुथ कहते हैं वैसे, बट हिंदी में इसको हम कहते हैं चोटी। सो गाइज, परांदी को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके बाल लंबे हैं देन आप ऊपर से शुरू कर सकते हैं, अगर छोटे हैं देन थोड़ा सा नीचे से ताकि आपके बालों की लेंथ आ जाए। सो हमारे पास 3 पार्टीशन ही परांदी की होती हैं एंड 3 पार्टीशन ही हमारे हेयर की हैं। सो उसके साथ ही हम लेकर उसको अपने बालों के साथ जो है वो बांधना शुरू करेंगे, जैसे कि हम सिंपली अपनी चोटी बना रहे थे वैसे ही उसके साथ साथ हम अपनी परांदी को भी बनाई जाएंगे। एंड यह परांदी लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है गाइज, आप देख सकते हैं 2 मिनट में मैंने लगा लिया आराम से परांदी। एंड या अब सेम वैसे ही हम चोटी बनाई जाएंगे जब तक हमारी जो परांदी है वो पूरी नहीं हो जाती एंड देन उसके बाद हम सिक्योर कर लेंगे। किसी भी आप रबर के साथ कर सकते हैं या फिर आप परांदी को बांध भी सकते हैं आसानी से ताकि आपकी परांदी खुले ना। सो या मैंने रबर के साथ इसको बहुत ही आराम से सिक्योर कर लिया है। तो गाइज, मेरा हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो गया, परांदी भी लग चुकी है, अब बारी आती है हमारे टिक्के की। सो मैंने सिर्फ एक बॉबी पिन से अपना जो टिक्का है वो सिक्योर किया है एंड यार बहुत ही आसानी से ये वाला हेयर स्टाइल बन गया है 5 मिनट में। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप कमेंट भी कर सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज पर चाहिए, कौन से टॉपिक पर चाहिए। सो या मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपके सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कमेंट्स पढ़कर। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव एंड सपोर्ट। सो या अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।